बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा योगी आदित्यनाथ लंबे समय से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे लोगों पर नियंत्रण लगाएं। और जो मुखिया है इस सरकार के श्री नरेंद्र मोदी, उनको भी मेरा यही कहना है कि इस किस्म के जो लोग हैं तो उनके ऊपर उनको थोड़ा सा ये लोग कंट्रोल में रखें। मायावती का बयान आदित्यनाथ के बयान से साफ लगता है कि वो यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान, जिस देश के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी उसे तबाह करने की हो रही है कोशिश। को गोल बंद होकर के इसका मुकाबला करेंगे और इस तरह की हरकतों को बंद कराएंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हमारा सुशासन और विकास का एजेंडा, सरकार किसी और मुद्दे का समर्थन नहीं करती। विकास और सुशासन के मुद्दे पर मोदी जी की सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इसके अलावा कोई और मुद्दा हो उसका सरकार किसी तरह से भी समर्थन नहीं करती। 25 दिसंबर को अलीगढ़ में अपने कार्यक्रम पर अड़ी धर्म जागरण समिति, कहा हम अपना कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। धर्म जागरण समिति के विभाग संयोजक का बयान, वकीलों से भी ले रहे हैं राय, कोर्ट भी जाने पर विचार। ये कोई मुगल शासन नहीं है, ये हिंदुओं का धार्मिक अधिकार है यज्ञ करने का। इस पर कोई रोक लगाई जाएगी तो वकीलों से हमारी राय चल रही है और हम फिर कोर्ट में जाएंगे और उन लोगों को कोर्ट में ले आएंगे जो इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया धर्म जागरण समिति को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए कोई भी कार्यक्रम जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है वो जनपद में या रेंज में आयोजित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो यज्ञ के नाम पर हो चाहे धर्मांतरण के नाम पर। तृणमूल ने संसद में उठाया मदन मित्रा की गिरफ्तारी का मामला, लोकसभा से किया वॉकआउट। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा बाप बेटे ने मिलकर अपनी तिजोरी भर ली। ये झारखंड की ताकत का उपयोग क्या हुआ अब तक? सरकार की तिजोरी तो नहीं भरी लेकिन बाप बेटे की तिजोरी भर गई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस को आदिवासियों की याद नहीं आती। 50 साल तक कांग्रेस की सरकारें चलती रही लेकिन किसी कांग्रेसी सरकार को ये याद नहीं आया कि हमारे देश में आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से सोचना जरूरी है। मोदी ने कहा झारखंड में इतनी ताकत कि वो हिंदुस्तान की तिजोरी भर सकता है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको का बयान, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इस हफ्ते जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। कल हमारा इलेक्शन कमेटी का पहला बैठक है, उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग कमेटी। सो हम अभी सोच रहे हैं पहले से पहले इस हफ्ता में पहला हमारा लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट पब्लिश करेंगे। पीसी चाको ने कहा जीतने वाले उम्मीदवारों को ही मिलेगा पार्टी का टिकट, शीला दीक्षित समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। मोदी के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की नीतीश ने की सराहना, कहा यह एक अच्छी पहल है, नशा मुक्त समाज होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो नशा मुक्ति देश बनाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक और घूसखोर करोड़पति अधिकारी पर शिकंजा, बालाघाट में कार्यपालक अभियंता के घर छापेमारी। रूरल इंजीनियरिंग सर्विस में तैनात इंजीनियर एसएस अली के पास 20 करोड़ संपत्ति होने का खुलासा, लोकायुक्त पुलिस को हाथ लगे कई दस्तावेज। आरोपी इंजीनियर के पास इंदौर में एक बंगला समेत 2 प्लॉट, 3 महंगी कारें, छिंदवाड़ा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी। जांच हो जाएगी,
बैंक वगैरह सबकी तो फिर क्लियर हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट कितने हैं इनके सर? अभी 3-4 अकाउंट बने हैं। उनकी लॉकर भी मिले क्या इनके? लॉकर नहीं है। गुजरात में कपास की कीमतों को लेकर किसानों का विरोध, अहमदाबाद में किया धरना प्रदर्शन। आईपीएल के पूर्व सीईओ सुंदर रमन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कोर्ट ने कहा फिक्सिंग में अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी होते हुए भी कुछ नहीं किया, क्यों? कोर्ट ने कहा आईसीसी एंटी करप्शन के हेड रह चुके वाईपी सिंह से मिली सूचना पर भी आपने कोई ध्यान नहीं किया। कोर्ट ने सुंदर रमन के वकील से पूछा ये सभी आरोप गंभीर, आप लिखित में कोर्ट को जवाब दें। सुंदर रमन के वकील ने कोर्ट में दी दलील, कहा वाईपी सिंह ने सिर्फ मौखिक जानकारी दी थी। सुंदर रमन के वकील ने कोर्ट को बताया वाईपी सिंह को ने नहीं दिया था कोई भी सबूत, सूचना की प्रामाणिकता भी नहीं दी। साढ़े पांच साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर महंगाई, नवंबर में थोक महंगाई दर शून्य पर पहुंची। अक्टूबर में 1.7% थी थोक महंगाई दर, पिछले साल नवंबर में 7.52% थी थोक महंगाई दर। खाने पीने और कच्चे तेल की कीमतों की वजह से घटी महंगाई दर, खाद्य महंगाई भी घटकर 3 साल के निचले स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत भी घटी, 12 दिसंबर को $60.58 प्रति बैरल हुई कीमत, पिछले महीने $62 प्रति बैरल थी भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत। डीजल पेट्रोल की कीमत कम होने की संभावना बढ़ी। झीलों की नगरी उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने आयोजित किया विकलांग विवाह समारोह, ब्याह के बंधन में बंधे 51 निशक्त जोड़े।